नीमच मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस महासचिव कमलेश पटेल ये कहते देखे जा रहे हैं कि किसान आंदोलन हम लोगों ने ही किया था, जिसके बाद मालवा की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं इस वायरल वीडियो के बाद नीमच जिले के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी केस दर्ज करने और इनके डीएनए की मांग की है, जिसके बाद अब ये मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। साथ ही नीमच जिले के कांग्रेस किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर और कांग्रेस नेताओं को घेरते भी विधायक दिलीप सिंह परिहार नजर आए। आइए सुनाते हैं विधायक दिलीप सिंह परिहार ने क्या कहा वॉइस ऑफ एमपी को। कांग्रेस हमेशा ही देश को तोड़ने का काम करे, हम देखते हैं पदलोलुपता में इनने देश का विभाजन कराया, उसके बाद हम जहां भी देखते हैं तो देश में कांग्रेस ने फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति के आधार पर चली है, और कांग्रेस के नेता इस देश को खंडित करना चाहते थे। मैं तो ये खुला आरोप लगा रहा हूँ कि जब इस प्रकार के कमलेश पटेल और जोगचंद, यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी से मिलते हैं और वो अपने मुँह से स्वयं अपराध कबूल करते हैं, जिन भोले भाले किसानों को इन लोगों ने उकसाकर और आंदोलन कराया, आगजनी की, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान किया, तो इनके खिलाफ तो केस चलना चाहिए और इनको तो कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी से ये अपील करूँगा कि ऐसे लोग जो अपना अपराध मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद है उनके सामने स्वयं कबूल कर रहे हैं कि हमने किसान आंदोलन कराया था, जिन किसानों के बेटे चले गए हैं पाटीदार समाज के, और वो एक पाटीदार समाज का नेता स्वयं कमलेश पटेल पाटीदार वो ये स्वयं कबूल कर रहा है कि ये सारा किसान आंदोलन हमने कराया था केवल सत्ता की लोलुपता के लिए। ये सत्ता पाने के लिए कांग्रेस का चरित्र और चेहरा सामने आया है। ये कांग्रेस सत्ता पाने के लिए आंदोलन कराती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, किसान को आग में झोंकती है और भोले भाले व्यापारियों का नुकसान करती है। किसानों का भी नुकसान हुआ उसमें और व्यापारियों का भी नुकसान हुआ। या आपने उस समय आंदोलन में देखा होगा कि ढाटे बांध बांध के इनने गुंडे भेजे, मवाली भेजे और पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन फैलाने का काम किया, जिसमें नीमच पीपलिया मंडी आपने देखा होगा, पीपलिया मंडी नीमच में, मंदसौर में, सीतामऊ में, पूरे संभाग में आगजनी करी, और उस आगजनी में जो व्यापारी व्यापार लेके जाते थे उनकी खड़े खड़े ट्रक जला दिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो जांच करा के और इनको जेलों में डालना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का आंदोलन इस प्रकार के लोग नहीं कर पाए। कांग्रेस बिल्कुल मानसिकता बिल्कुल गिरी हुई मानसिकता है, और ऐसे जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम नेता के लिए लड़े थे जोगचंद जी, ये उसमें कबूल कर रहे हैं, वो जनता ने माननीय हमारे जगदीश देवड़ा जी को जिताया, क्यों जिताया, वो सहज है, सरल है, गरीबों के सुख दुख में खड़े होते हैं। और हमारे नीमच में भी यहाँ कांग्रेस के कई नेताओं ने, उमराव सिंह जी ने और गुजर ने और अनेक कई नेताओं ने यहाँ आगजनी करवाई, यहाँ तक कि जो पुलिस के विभाग की चौकियाँ थी वो जला दी, मुँह पे ढाटे बांध बांध कर लूटपाट करी। तो इन सबको तो जेल में डालना चाहिए, ऐसे लोगों ने जो, और इनको क्षणिक भी डूब मरना चाहिए पानी में जाकर कि उनने निर्दोष लोगों को मराने का काम किया है, और किसानों का जो आंदोलन किया था उस समय वो स्वयं अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी घटिया मानसिकता कांग्रेस की कुछ हो नहीं सकती है, और इसीलिए परिणाम ये होते हैं कि जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ कांग्रेस आती है। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इस कांग्रेस की इस दोगली नीति की वजह से ही वो छोड़ के आए थे, और कमलनाथ जी सड़क पे आए थे, ये चाह रहे थे कि हम आंदोलन कराकर झूठ बोलकर किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ़ करके बहाना बेरोजगारों को भत्ता देकर हम सरकार में आ जाएंगे, मगर दूध का दूध हुआ और पानी का पानी हुआ है। आने वाले समय में जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने निर्दोष लोगों की जाने गई उसमें, और उस समय ये जो सेना सीमा पर हमारी रक्षा करती है, उस समय जो सेना के जवान लगे थे, सीआरपी के जवान लगे थे, उनके ऊपर इनने आरोप लगाए थे इन कांग्रेसों ने, कमलेश पटेल और जोगचंद जैसे लोगों ने, तो इनको तो इनके खिलाफ तो केस चलाना चाहिए
और मैं तो ये मांग करता हूँ कि इस पूरे आंदोलन की जांच हो और जो लोग कबूल कर रहे हैं उनके साथ, जो लोग पीछे पड़ने के पीछे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या मानते हैं आपके इस पूरे मामले की डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि जो पूरी हकीकत सामने आ सके किस तरह की जो एक प्लानिंग की गई थी? देखो, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है, अब ये इनके खून में ही झूठ बोलना रहा है। मतलब मैं तो इनके उस बयान को पढ़ के हतप्रभ हूँ कि ये लोग इस प्रकार के घटिया और गिरे हुए मानसिकता के काम करते हैं। अगर इनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा तो इनके डीएनए में फूट डालो राज करो ही होगा, और इनका डीएनए टेस्ट में ये लोग गरीब को मारते आए हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस ने झूठ बोलकर इस देश में राज किया है। कभी कहते थे हम गरीबी कम करेंगे, गरीब का गला दबाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया है, निर्दोष लोगों की नसबंदियां की है, ऐसे ऐसे घटिया काम इस कांग्रेस ने किए हैं। और उनने स्वयं ने कबूल किया है कि ये जो किसान आंदोलन वो हमने कराया था, हमने हत्याएं कराई, हमने लूटपाट की, ऐसे लोगों को तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप एक पत्र लिखेंगे अमित शाह को और आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं लिखूंगा और मैं मिलूंगा, जब भी बात करूंगा उनको पत्र के माध्यम से भी बात करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितने मालव माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर की कहावत जिस मालवा में थी, उस मालवा का भोला भाला किसान को इन गुंडों ने, इन मवालियों ने, कांग्रेस के लोगों ने बदनाम करने का काम किया।